हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस पिक्सी का स्किन ट्रीट्स क्लैरिटी टोनर। दे से टॉनिक, बट आई वुड कॉल इट एज अ टोनर। इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आता है, बहुत ही प्यारा सा ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। इसके बाहर एज सच कोई भी पैकिंग नहीं थी, ये एज इट इज़ ही मुझे रिसीव हुआ था। बस इसके ऊपर वो प्लास्टिक की फिल्म सी लगी हुई थी, आपको बस रिमूव करना है एंड यू कैन यूज़ इट। यहाँ से ये ओपन होता है और ऊपर ये छोटा सा नोजल है जहाँ से आपको प्रोडक्ट ये मिलता है। Now this one is a salicylic acid and probiotic clarifying toner और ये मुझे मिला था as a free product मेरे किसी order के purchase पे। like उस time पे offer थी कि like इतने product पे, इतनी 1000 की shopping पे आपको product free मिलना है, तो उसमें ये मुझे free मिला था। जो I think पीछे जो sale गई है pink love वाली, उसमें भी same offer थी, but मैंने वो नहीं ली थी because ये मेरे पास ऑलरेडी था। सो ये ट्रिपल एसिड फार्मूला है जिसमें आपको एक तो सैलिसिलिक एसिड मिलता है विच इज़ अ BHA, प्लस इसमें डाला हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड विच इज़ अ AHA, एंड देन दिस हैज लैक्टिक एसिड विच अगेन अ AHA, प्लस इसमें प्रोबायोटिक्स डली हुई हैं। सो सैलिसिलिक एसिड आपके पोर्स को क्लीन करेगा, ग्लाइकोलिक एसिड लैक्टिक एसिड सुपरफिशियल डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, प्रोबायोटिक्स आपका जो हेल्दी माइक्रोबायोम है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप वाटर है और उसके बीच में डाला हुआ है एलोवेरा लीफ जूस विच इज वेरी वेरी सूदिंग एंड वर्क्स अमेजिंगली ऑन माय स्किन टाइप। प्लस दिस हैज प्रोपेंटीओल, ग्लिसरीन विच आर ग्रेट ह्यूमेक्टेंट्स, देन वी हैव सोडियम PCA विच हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, आपके एक्ने को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Then we have betaine, which is again very soothing and hydrating on the skin. उसके बाद है इसके अंदर lactobacillus ferment lysate filtrate, which is a fermented ingredient, again great for your skin barrier. Then we have glycolic acid. So I assume कि इसमें 2% glycolic acid होगा, 3% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। उसके बाद इसमें डला हुआ है sodium hyaluronate और उसके बाद है सैलिसिलिक एसिड। सो आई फील कि इसमें या तो 2% सैलिसिलिक है या 1% सैलिसिलिक है। एज सच इसमें कॉन्सेंट्रेशन मैंशन कहीं पे भी नहीं है कि कितना परसेंट सैलिसिलिक है। देन वी हैव बिलोबाक, उसके बाद इसमें सेंटेला डली हुई है, शुगर केन का एक्सट्रैक्ट है, देन वी हैव रेडिश रूट एक्सट्रैक्ट, फिर अब इसमें फिर लैक्टिक एसिड है, pH adjusters एंड preservatives आर देयर। एज सच फ्रेग्रेंस इस पर मैंशन नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई एज सच स्मेल है, वही जो बेसिक फॉर्मुलेशन की जो स्मेल है वही इसके अंदर है। टेक्स्चर की बात करूँ तो इट्स अ वेरी वेरी लाइट वाटरी टोनर। मैं मोस्टली इसको कॉटन पैड पर डाल के देन स्वाइप करती हूँ पूरे फेस को अच्छे से, एंड दिस वन हैज़ बीन वर्किंग अमेजिंगली ऑन माई स्किन। आई एब्सोल्यूटली लव दिस टोनर। लाइक पहले मैंने इस ब्रांड का वो ग्लाइकोलिक एसिड जो 7% वाला है, मैंने पिक्सी ग्लो टॉनिक आई थिंक विच इज़ वेरी वेरी हाइप्ड, मैंने वो ट्राई किया था एंड उससे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाए थे। लाइक मेरे फेस पर आई थिंक वो रिएक्ट कर गया था, आई थिंक बिकॉज कि उस टाइम पे आई वॉज़ वेरी बिगिनर टू केमिकल एक्सफोलिएशन। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, ही यूज इट फॉर 3 months, बट हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ह्यूज रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले थे उसके साथ, तो दैट्स वाई आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस ब्रांड। बट देन मैंने आई थिंक इनकी वो जो ऑन द ग्लो ब्लश वाला वो स्टिक है, मैंने वो परचेज करी थी, आई एब्सोल्यूटली लव इट। उसके बाद से मैंने काफ़ी सारे पिक्सी के प्रोडक्ट परचेज करे हैं, अगेन लव दिस वन। इनका मैंने कंसीलर लिया था, लव डिट, स्किन टिंट लिया है, लव डिट, लाइक आई एम फीलिंग इन लव मोर एंड मोर विद दिस ब्रांड। सो यू गाइज नो कि मुझे कोई एक अगर ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा लगता है देन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर, बट दिस वन इज इन डीड अ ब्यूटिफुल टोनर। मैंने इसको डेली भी यूज़ किया है, बट देन आई फील कि थोड़ा ओवर हो रहा है, तो मैंने इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ही रखा एंड देन दिस हैज़ वर्कड अमेजिंगली। लाइक आई गॉट लेस एक्ने, आई गॉट लेस कॉमेडॉन्स ऑन माई फेस। ब्यूटिफुल टोनर, आई विल हाईली हाईली रिकमेंड दिस वन, ब्यूटिफुल।